अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर. फेडरल बोर्ड की जो टॉपिक है 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसका ये सब टॉपिक है वर्नियर कैलिपर. अच्छा, आप नाम पे फोकस करें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कोई ना कोई चीज़ मेजर करते हैं. ये मैंने वर्नियर कैलिपर बनाया बेटा, इसके बारे में हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले हमने पढ़े थे मेजरिंग टेप के बारे में, थोड़ा रिव्यू हम दे लेते हैं, और मेजरिंग रूलर था मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ, मेजरिंग मीटर रूल और मेजरिंग टेप के बारे में. देखो बेटा, मैं एक स्केल बनाता हूँ, वो स्केल आपने देखा होगा, वो होता है जी मीटर रूल के ऊपर भी उस तरह का स्केल होता है, मेजरिंग टेप के ऊपर भी वैसा स्केल होता है, कुछ इस तरह का स्केल होता है जी. अच्छा देखिए बेटा जी, इस तरह का इनके स्केल होता है मेजरिंग रूलर के रूल के ऊपर, मेजरिंग टेप के ऊपर. हमने पहले पढ़ा कि हम मेजरिंग रूलर क्यों यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए. अब ये कितने सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में होता है ये, और फर्दर हम इसको मीटर में भी हम इसको डिवाइड किया होता है हमने, यानी कि अप टू 1 मिलीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं. फिर हमने पढ़ा कि मीटर रूल तो ठीक था, फिर मेजरिंग टेप क्यों आई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी मेजरिंग टेप की. हमने देखा वो इतनी ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है ये जो मेजरिंग रूलर था. हमने मेजरिंग टेप ले ली, किसी कार की लेंथ मेजर करनी है हमने, किसी चीज़ की मेजर करनी है जिसकी शेप सीधी नहीं है, तो उसके लिए हमने बेटर समझा मेजरिंग टेप के लिए. तो बेटा आप खुद सोचें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में भी तब्दीली आ रही है, वो ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, वह ज़्यादा कंपेटेबल होते जा रहे हैं, और क्या होते जा रहे हैं जी, उनकी एक्यूरेसी और अच्छी होती जा रही है. मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, मुझे क्यों एक वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ी. देखो बच्चों, मेरे पास एक कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैंने एक मीटर रॉड ले लिया, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया ऐसे करके. अब आप नोट करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो समथिंग लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के बीच में, यानी कि कहीं लगती है, यानी कि 7 to 8 मिलीमीटर. देखिए अब 7 to 8 के बीच में क्या, कितने 7.1, 7.2, 7.9, वहाँ पे आके हम फंस गए हैं. यानी कि जैसे ही हम छोटे यूनिट्स की तरफ जाते हैं, हमारा क्या चीज़ मेजरिंग रूल और मेजरिंग टेप क्या हो जाता है बेटा, फ्लॉप हो जाता है. इसी चीज़ से बचने के लिए, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, आई फॉरगेट ईयर 1691 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही वर्नियर था, उन्हीं के नाम पे ये क्या किया गया, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, उन्होंने बनाया था जी. ये क्या करता है कि अप टू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस एरिया को अगर जूम कर दूं, मैं ये मैंने जूम कर दिया, और फर्दर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो इस एरिया को जूम करके मैंने फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा 0.1 मिलीमीटर तक और 0.01 सेंटीमीटर तक ये वर्नियर कैलिपर एक्यूरेट मेजर करता है. तो यानी कि एक चीज़ आपको क्लियर होगी, व्हाई वी नीड वर्नियर कैलिपर. एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो मैंने आपको थोड़ी सी रीज़न बता दी ताकि बच्चों को बैकग्राउंड पता चल जाए. एक क्वेश्चन लिख लें आप, व्हाई वी नीड वर्नियर कैलिपर, ये आप लिख लें अपने वर्ड्स में, वहाँ पर बयान कर दें इंग्लिश में, ठीक हो जाएगा. तो ये हो गया बैकग्राउंड सेट कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पेश आई. ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे दिखता है, आप प्रैक्टिकल्स अगर स्कूल में कर रहे होंगे तो आपको और फर्दर क्लियर हो जाएगा. अच्छा देखिए बेटा, वर्नियर कैलिपर, इसमें दो स्केल होते हैं, एक ये जो मीटर रूल की तरह होता है, इसका नाम होता है मेन स्केल. क्या नाम होता है, मेन स्केल, ठीक है. एक और स्केल होता है जिसके ऊपर अप टू 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, और ये मूवेबल भी होता है. क्या होता है, मूवेबल होता है,
यानी कि मूव कर सकते हैं उसे, और इसे कहते हैं वर्नियर स्केल. क्या कहते हैं हम इसे? वर्नियर स्केल. ठीक हो गया. ये जो होते हैं ये वाले और ये वाले, इनको कहलाते हैं हम जॉज कहते हैं. जॉज हो गए, ये ऊपर वाले जॉज हैं, अपर जॉज, ये लोअर जॉज. ये जो जॉज हैं ये अटैच हैं, जो अपर जॉ और इसका ये वाला जॉ है, ये दोनों जॉज बेटा ये मेन स्केल के साथ अटैच हैं, यानी कि ये है फिक्स जॉज. ठीक हो गया. और ये वाला जॉ और ये वाला जॉ, ये वाला और ये वाला, ये है मूवेबल जॉ, यानी इनको हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. इस टिप को ऐसे ऐसे रोटेट करते करते हम ऊपर वाला जो स्केल है उससे हम ये जा और ये जा क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं. ये बेटा वर्नियर स्केल की. अच्छा जी, और इसमें क्या है? अप टू 12 सेंटीमीटर तक, यानी कि इस पर डिवीजन होती है. इसके यहाँ पे टेल होती है, ये इसके यहाँ आप ये किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज होती है. अब बच्चों जो ये हो गया बेटा वर्नियर कैलिपर की, यानी कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कुछ बता दिया. अब हम आगे इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है. बच्चों ये है कुछ इस तरह से कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला जॉ और ये वाला जॉ हम इसके ज़रिए, इस नॉब के ज़रिए रोटेट करते हैं, ये खुलता है. इसके बीच हम कोई चीज़ रखते हैं, उससे हम उस चीज़ का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं. जो अपर टू जॉज हैं, ठीक है, और जो इनर टू जॉज हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं? बेटा जो ये हैं ये आउटर डायमीटर, किसी चीज़ का आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए. जैसे कि मैं इनको फॉर एग्जांपल की सोचें कि मेरा ये हाथ एक साथ जा के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, तो मैंने इनको ऐसे पकड़ लिया, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ा दिया, तो इसको ये जॉज इनको पकड़ लेंगे और हम इसका ये आउटर डायमीटर मालूम कर देंगे. अब ये इनर डायमीटर कैसे करते हैं? जैसे कि ये चीज़ हम इनको यहाँ पे डाल देंगे, फंसा देंगे, इनको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इसका ये इनर डायमीटर भी मालूम कर देंगे. इन इस जैसे कि इस तरह करके इसके अंदर रखेंगे, ऐसे करके ये खुलेगा और इसका इनर डायमीटर मालूम भी हो जाएगा. ये बेटा आगे बेटा क्या है कि आजकल जो नए वर्नियर कैलिपर आ रहे हैं वो अप टू 0.01 मिलीमीटर भी तक भी एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं. ये वर्नियर कैलिपर जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर जो अपने प्रैक्टिकल्स में आप यूज़ करेंगे वो मेजर करता है 0.1 मिलीमीटर तक, यानी कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट मेजर करता है, और यही कहलाता है इसका लीस्ट काउंट. अब लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बच्चों आप खुद से सोच लो कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू अप टू अ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, उसका लीस्ट काउंट है. इससे कम की वैल्यू वो वर्नियर कैलिपर मालूम नहीं कर सकता. लेकिन जो आजकल विद द फैसल जाम चीज़ें मॉडर्न होती जा रही, जो मॉडर्न वर्नियर कैलिपर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर कैलिपर हैं, वो इसके अप टू 100 डिवीजन तक भी एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं. अच्छा देखो बेटा इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूँ, क्लियर हो गया होगा होप्स आपको. अब ये थी, मैंने आपको बता दी कि इसका बैकग्राउंड क्या था, हमें वर्नियर कैलिपर की क्यों ज़रूरत पेश आई, और इसका यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या थी, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कहलाती है, उनके फंक्शंस क्या और कैसे इनको हमने यूज़ करना है. ठीक है जी. देखो बेटा जब भी आप बाज़ार में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हो, जैसे कि आपने कोई मोबाइल लेना है, आपने कोई मशीन लेनी है, तो हम उसको पहले चेक करते हैं कि आया कि वो एक्यूरेट मेजर कर रही है कि नहीं कर रही है. एग्जांपल के तौर पे आप बाइक लेने जाते हो तो आप उसको स्टार्ट करके देखते हो, आप चलाते हो, हाँ ठीक ठाक चलती है, देन यू हैव टू यू गो फॉर टू बाय इट. सेम अगर कोई फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कार लेनी है तो उसके आप चीज़ें चेक करते हो कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही. तो इसी तरह ही जब हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या वर्नियर कैलिपर एक्यूरेट है कि नहीं है, इसमें कोई एरर है कि नहीं है, ये हम चीज़ चेक करते हैं, और इस चीज़ को क्या कहते हैं? ज़ीरो एरर करेक्शन. ज़ीरो एरर करेक्शन.
एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एक वेटिंग मशीन है जिस पे आप खड़े हुए हो, वो आपके खड़े होने से पहले ही जो मास बता रहा है वो 2 किलो ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, 2 किलो एक्स्ट्रा बता रहा है। और आपका मास है, चलो मैं अपना जो भी है, आपका मास है 80 kg, तो मैं क्या करूँगा, वो बताएगा, अब मेरा 80 है तो बता कितना रहा है मुझे, 82 बता रहा है, लेकिन ये एक्यूरेट मेजरमेंट तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जब खुद अपने मास मेजर कर लूँगा मैं, एंड में क्या करूँगा, मैं 2 माइनस कर दूंगा और मेरे पास 80 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमने करना होगा जीरो एरर करेक्शन के लिए। देखो बच्चों, ज़ीरो एरर, अब मैं इस फिगर को थोड़ा जूम करके आपके लिए बनाता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ जी ये बनी हुई है, ठीक। ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल है, मैं अब इसको थोड़ा जूम करके बना लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक हो गया जी, 1 सेंटीमीटर। अब ये मैं बना रहा हूँ बेटा वर्नियर स्केल, मैं कलर इस वजह से 2 यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वर्नियर स्केल कहाँ पे यूज हो रहा है, उसका फंक्शन कहाँ पे है और मेन स्केल का फंक्शन कहाँ पे है। मैंने आपको जैसे बताया कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो 10 डिवीजन के बराबर, 10 डिवीजन तक होती है उसकी डिवीजन। देखो बेटा, अगर तो मेन स्केल का, इस पिक्चर को मैं जूम करके बना दिया, मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से कंसाइड हो जाए, कंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाए, तो इसका मतलब उस चीज़ में, उस इंस्ट्रूमेंट में, उस वर्नियर कैलिपर में 0 एरर नहीं है, नो 0 एरर, ठीक हो गया बेटा। अब देखो बेटा कि फिर 0 एरर होता कब है, अब हम बनाते हैं एक नेक्स्ट फिगर बेटा, ये देखते हैं हम, ये मैंने बना दिया मेन स्केल और ये मैंने नीचे बना दिया वर्नियर स्केल, सेम वही, तो हम देख रहे हैं कि इसका 0 इसके स्केल से कंसाइड नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, 0 एरर हो गया, इसको क्या कहेंगे, 0 एरर कहेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप अब करोगे क्या, सबसे पहले आप इस वर्नियर कैलिपर को बंद करोगे, आप चेक करोगे कि 0 कंसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर तो हो रहा है देन अगले स्टेप पर चलेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर 2 रीज़न हो सकती हैं, एक रीज़न होगी 0 एरर होगा, अब वो कौन सा 0 होगा, वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव 0 एरर भी हो सकता है। अब पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है, पॉजिटिव 0 एरर, देखो बच्चों कि अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से राइट हैंड साइड पे चला जाए, राइट हैंड साइड पे चला जाए, तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव 0 एरर, उसे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव 0 एरर, ठीक होगी बात, आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब इस पॉजिटिव 0 एरर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो पॉजिटिव 0 एरर में होता है कि चीज़ ज़्यादा वैल्यू देती है, तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी मास बैलेंस की, फिजिकल बैलेंस की, कि हम जब उस पर खड़े होते हैं तो वेट अगर वो पहले से ज़्यादा बता रहा है तो हम क्या करते हैं, एट द एंड जितना ज़्यादा बता रहा है उतना माइनस करते हैं, तो सेम भी इसमें हमें कुछ करना होगा कि जितना ज़्यादा बता रहा है उतना हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर कि अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम वर्नियर स्केल को रीड करते हैं, सिर्फ वर्नियर स्केल पे हमने फोकस करना है, ये मैं आई बना, चलो आई बना दी फोकस, ये एरो फोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वर्नियर स्केल का जो 4 है वो कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से,
ठीक हो गया, वो 4 का साइड कर रहा है मेन स्केल से, और वो 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, जो मैंने पहले बताया था बेटा, वो क्या है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 मिलीमीटर। यानी कि ये है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये जब हम मेन रीडिंग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारे पास वो रीडिंग आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर पे, नेगेटिव जीरो एरर पे। बेटा सेम है, देखो इसमें कंसाइड कर रहे हैं, इसमें आगे चल रही है, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव भी बेटा इस तरह करके है। अब नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है, इसको थोड़ा सा और मैं कर देता हूं, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कंसाइड नहीं कर रहा और उससे पीछे आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, पीछे की साइड पे आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। उसे हम बच्चों क्या कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। अब इस नेगेटिव जीरो एरर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसको रेज कर रहा हूं बच्चों। नेगेटिव जीरो एरर को सॉल्व करने का तरीका ये उससे पॉजिटिव जीरो एरर से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हमें वो इस तरह से है कि हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल पे, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कितनी डिवीजन है, अप टू 10 डिवीजन्स है, तो हम 10 लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो मेरे ख्याल से कुछ ये कर रहा है, ये रफली ले लें आप, ठीक है, मैंने पिक्चर्स और देख यानी कि वो बनाई नहीं है, ये 3 ही कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, 4, इसका भी 4 कर रहा है, -4 मल्टीप्लाई बाय हमारा लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 मिलीमीटर। तो आंसर क्या देगा, 10 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर। यानी कि जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, उसमें हम 0.6 मिलीमीटर ऐड कर देंगे, तब हमारे पास जो नेगेटिव जीरो एरर की करेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों एक क्विक सर्वे, हम मैंने आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, मेन के स्केल के साथ अटैच होते हैं ये वाले दो जार्स जिनको हम फिक्स जार्स कहते हैं, और वर्नियर स्केल के साथ अटैच होते हैं ये वाले दो जार्स जिनको हम मूवेबल जार कहते हैं। ये ऊपर दो जार किसी चीज़ का इनर डायमीटर के लिए यूज़ होते हैं, और ये वाले दो जार्स किसी चीज़ का आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज़ को हमने मेजर करना होता है तो पहले हम चेक करते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि गलत है। तो वर्नियर कैलिपर को चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि इसमें जीरो एरर है कि नहीं है, तो हम अगर है, अगर नहीं है तो क्या होगा, वो दोनों जीरो आपस में कंसाइड कर रहे होंगे, और अगर वो है तो वो कौन सा जीरो एरर है, वो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो तब होगा जब वर्नियर कैलिपर का जो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वो मेन स्केल से के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर तब होगा जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। इसको हमने बताया कि किस तरह करते हैं जी, हमने वो देख लिया कौन सी लाइन कंसाइड करती है आपस में, जो एग्जैक्ट मैच कर रही होती है उनको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका था, इसमें 10 था हमने पकड़ा, क्योंकि 10 डिवीजन होती हैं, 10 के बाद वो पकड़ी जो एग्जैक्ट कंसाइड कर रही है, उसको 10 से माइनस किया, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ तक हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप ये है, लास्ट स्टेप ये है वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर का। एकदम मेरी आज बच्चों तबीयत थोड़ी सी खराब है, ओके अच्छा जी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया सारा।
अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस चीज़ को मैं जूम कर लेता हूँ, सिर्फ इस चीज़ को मैं जूम करके सेपरेट बना लेता हूँ मैं। ये जो नीचे वाला फिक्स जॉ था कुछ इस तरह से, ठीक है, कोशिश चलो मैं ब्लैक से कर लूँ, वो मैं उससे बना लूँगा ब्लू, ठीक हो गया जी। ये नीचे वाला फिक्स जॉ था और ये नीचे वाला मूवेबल जॉ था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैंने ये पेंसिल रख दी, ये जो बोर्ड मार्कर रख लिया। इमेजिन करें मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई बॉक्स रख लिया या कोई जो भी कोई चीज़ रख ली, छोटी सी मैंने कोई रख ली, ठीक है। इस तरह हम इसको खोलेंगे, ये खुल जाएगा, फिर हम इस नॉब को जो भी स्क्रू को ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे का इमेजिन करें कि ये जो खुल के जो यानी कि हम जब इसको करेंगे, ये कोई भी चीज़ इसमें हम डालेंगे कोई भी, ये जो मेन स्केल की रीडिंग शो पे करेगा खुल के आ जाएगा समथिंग, ये चीज़ खुल के आ जाएगी 5 पे आ जाएगी, इमेजिन करें 5 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है मेन स्केल से, तो इसी पिक्चर पे फोकस करते हैं, 5 कर रही है, उस 5 को बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, दोनों मिलीमीटर्स में, ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.5 मिलीमीटर। बेटा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, कि सबसे पहले हमने इस स्क्रू से जार्स खोले तो हमने नोट किया कि ये वाला जार मूव करेगा, ये वाला जार मूव करेगा। उसके बाद हमने इन दोनों जार्स के अंदर कोई चीज़ लगाई, इस पिक्चर को मैंने जूम करके यहाँ पर बना दिया। जब मैंने चीज़ डालूंगा तो मैं नोट करूंगा कि वर्नियर स्केल थोड़ा सा मूव कर दिया, तो मैं नोट करूंगा कि मेन स्केल पे कहाँ से रीडिंग शो हो रही है। मैंने एग्जांपल किया कि वो 5 तक मूव किया, तो 5 मिलीमीटर है, देखें वन चीज़ जो वन लाइन ये जो एक छोटी छोटी जो है लाइंस, ये 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर मैंने नोट अगली चीज़ देखूंगा कि वर्नियर स्केल की कौन से लाइन कंसाइड कर रही है मेन स्केल की लाइन से, तो मैं इसमें भी चलो 5 ही बाय लक यानी कि वो ज्वाइन कर रही है, तो वो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लीस्ट काउंट से, तो लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 मिलीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 है, 5 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 5.5 मिलीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट। अब देखिए बेटा उस स्केल में हम मीटर रूल में क्या कर रहे थे, हम 5 मिलीमीटर कह रहे थे, 6 मिलीमीटर कह रहे थे, बिटवीन 6 to 7 मिलीमीटर कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें अब इसमें अगर मैं वो मीटर उसे करता तो मैं अंदाज़ा लगाता कि यार 5 से 6 के बीच में कहीं ना कहीं वो 5 से 6 मिलीमीटर के बीच में कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जैक्ट बता दिया वो चीज़ कितनी है, 5.5 मिलीलीटर है। तो यानी कि देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स आते गए और एक्यूरेसी और भी बढ़ती गई, जो आजकल के वर्नियर कैलिपर जो नए दौर के हैं वो अप टू यानी कि यहाँ तक बता देते हैं कि 0.55 इतने मिलीमीटर तक भी एक्यूरेसी तक सही बताते हैं, यानी कि एक्यूरेसी बता देते हैं 0.01 मिलीमीटर तक भी बता रहे हैं, और भी से अच्छा इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो ये है किसी चीज़ का डायमीटर मेजर करने का तरीका। देखो बेटा अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर ये तो हमने चीज़ रखी एग्जैक्ट आ गया, अगर तो चीज़ें कंसाइड हो रही थी, अगर कंसाइड ना हो तो तब हम क्या करेंगे। तो इमेजिन करो कि हम आ रहा था हमारा पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा था, ठीक है, 5.5 आ गया, तो पॉजिटिव जीरो एरर हमारा मुझे याद कितना आया था, 0.6 मिलीमीटर आया था, इमेजिन करने आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव का मतलब वो चीज़ बढ़ के हम आगे आई है हमारे साथ, वो चीज़ ज़्यादा शो हो रही है, इसका मतलब ये कि टोटल कैलकुलेशन में इतनी कैलकुलेशन क्या हो रही है, ज़्यादा शो हो रही है, तो हम इससे क्या करेंगे 5.5 से 0.6 को हम माइनस कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4.9 मिलीमीटर, यानी कि उस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी 4.9
मिलीमीटर. और यही तरह इसी तरह इमेजिन कर लें कि वो जीरो एरर था, नेगेटिव जीरो एरर था, वो चीज़ कम शो कर रहा था. तो हमें पता है कि नेगेटिव जीरो एरर में हम ऐड करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6.1 मिलीमीटर. ये बेटा वर्नियर कैलिपर था. अच्छा बेटा, वर्नियर कैलिपर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो अक्सर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ये लॉन्ग में बहुत कम आता है, यानी कि क्योंकि ना फर्स्ट चैप्टर है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि फिजिक्स है क्या, उसमें यानी कि थीम क्या है फिजिक्स की, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं. तो इस चैप्टर में अक्सर शॉर्ट ही आते हैं फेडरल बोर्ड में, ठीक है. बहुत कम चांसेस हैं, मुझे तो नहीं लगता आएगा. मैं एज अ बीइंग अ टीचर, मैंने कभी इस चैप्टर में, हाँ इंडिविजुअल टेस्ट के तौर पर मैं इसमें लॉन्ग देता हूँ मैं, लेकिन जब मैं हाफ बुक का टेस्ट लेता हूँ अपने स्टूडेंट से और फुल बुक कर लेता हूँ, तो मैं कभी इसमें यानी कि लॉन्ग नहीं देता मैं इस चैप्टर में. लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से लाजमी कुछ ना कुछ आ जाता है वो. तो क्वेश्चन आप यहाँ इसमें नोट कर लें, बहुत ज़रूरी है. मैं चलो ऑलरेडी बता देता हूँ, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, ठीक है, व्हाट इज़ पॉजिटिव जीरो एरर, व्हाट इज़ नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है. और यहाँ पे क्वेश्चन है जी, हाँ वो एक, हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर ऑन मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन आ जाएंगे. व्हाट हैपन इफ, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इफ जीरो ऑफ द सुनाम क्या है मेन स्केल डजंट कंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, व्हाट हैपन इट कम्स इट गोज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो फिर क्या होगा. यानी कि देखिए आप बेटा, इसको आप जो मैंने आपको पूरा समझाया, आप इसको एक आइडली सोचें, ठीक है, कि सर ने किस तरह वर्नियर स्केल बताया, फिर सर ने किस तरह मेन स्केल, वर्नियर स्केल की डिवीजन, आउटर जॉ, इनर जॉ, ये चीज़ें मूवेबल हैं, ये हैं, पहले हम जीरो एरर करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, कैलकुलेशन तो सिंपल सी है. तो होप सो बच्चों आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, मज़ेदार टॉपिक है. अभी तो ये फिजिक्स का शुरुआत है बच्चों, तो ये है कि असल फिजिक्स तो सेकंड और थर्ड चैप्टर से ही शुरू होती है. ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि बेटा आपको पॉलिश किया जा रहा है कि ना, ऐसे बूटा जूता बूट पॉलिश नहीं करते, तो ये पॉलिश किया जा रहा है आपको कि आपको रेडी किया जा रहा है कि आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रू गेज. ओके, अल्लाह हाफिज़.